हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एयर अराउंड अस। मतलब कहा जाता है हवाएं चार ओर है। तो इसमें आपका इस बुक में क्वेश्चन है कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, क्या हमारे चार ओर हवाएं हैं? तो इसका आंसर होगा यस, एयर अराउंड अस हमारे चार ओर है। और बट वी कैन नॉट बी सी, वी कैन ओनली फील दैट। हम लोग उसको सिर्फ फील कर सकते हैं हवाओं को, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो इनविजिबल है। ठीक है ना, वो कहने पर उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। देखिए, इसलिए देखिए, एक एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। आप खाली गिलास जो लेते हैं, जब को लगता है खाली है, उसको पानी के अंदर जब ऐसे डालिएगा तो देखिएगा कि उसके अंदर जो है पानी नहीं जाएगा। इसका ये आपको शो करता है क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एयर है जो उसको रोकता है और पानी को अंदर जाने नहीं देता है। इन एवरीवेयर जो होता है वी हवाएं हैं। आप देखिए क्या होता है कि इसमें जो कभी कभी हम उसको फील करने के लिए जब मूवमेंट करता है, हवाएं में जब मूवमेंट होता है तभी क्या होता है हम लोग को दिखता है। जैसे कि देखिए, आप जो होता है चरखी है, चाहे जो आप जो देख रहे हैं, ये हवाओं का डायरेक्शन देखने के लिए जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यूज करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि किस ओर हवाएं मूव कर रही है। ठीक है, किस डायरेक्शन में हवाएं चल रही है, इसका डायरेक्शन को के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब, एक एक्टिविटी तो मैंने ये बताया आपको, जिससे आप यूज जब करेंगे तो वो क्या होगा कि आपको पता चलेगा। जैसे कि जो है ना, पानी को डालेंगे ग्लास को तो देखिएगा, और फिर जब उसको ऐसे जैसे खोएंगे तो बुलबुले निकलेंगे। दैट इज द सो कि एयर बजिंग इनसाइड द ग्लास, ग्लास के अंदर एयर है, ये बात को पता चलता है। उसके बाद होता है कि एयर का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो उसकी कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वी टेक द ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन वी गो टू द माउंटेन। माउंटेन पे जो जैसे माउंट एवरेस्ट पर कोई चढ़ते हैं, चाहे वो पहाड़ पर चढ़ते हैं जो बहुत ऊंचे, आप ये आपका जो पहाड़ी मंदिर की बात छोड़िए, पहाड़ी मंदिर में ज्यादा लफड़ा नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर अगर आप चढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए वहां पर लोग क्या होते हैं कि अपने साथ क्या होते हैं कि ऑक्सीजन का जो कैरिंग जो होता है वो ले जाता है। इसलिए आप लोग पढ़े होंगे जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, जो चारों ओर जो ब्लैंकेट जो इसका बना हुआ, उसका लेयर भी है, पांच लेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, जो आप पढ़े होंगे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में। तो उसी तरह से इसका जो वायुमंडल जो है उसी में क्या होता है, एयर होता है, और वो ही हम लोग को एक ऊर्जा, एक मैंने कह रहा मतलब एक वो रेस्पिरेशन के थ्रू जो लेते हैं, हम लोग अंदर में ऑक्सीडेशन में एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब, एयर नीड फॉर द मेनी पर्पस, यानी हमारे जीने के लिए भी हवाएं जरूरी है, जैसे कि पानी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी एयर इज ऑल्सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एयर, तो एयर में कौन कौन सा और कंपोनेंट है, कि इसमें एयर में और किस किस से बना हुआ है। तो एयर उसमें होता है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मॉग। जैसे अभी देखिए, वाटर वेपर तो आप आसानी से उसको पता कर सकते हैं, जैसे कि आप ठंडी के मौसम में जब गर्मी के मौसम में जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फ्रिज से कोई सामान बाहर निकालते हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि अगर उसको कुछ देर बाहर रखने पर आपको उसे चारों ओर एक पानी की एक परत बूंदे जो जम जाती है, तो क्या वो बोतल से बाहर आता है? नो, वो दे आर द कंडेंस बाय द कोल्डनेस ऑफ द योर कोल्ड ड्रिंक्स, द वाटर वेपर कंडेंस एंड कन्वर्ट टू द लिक्विड, वो कब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए देता है। दैट इज द सो कि इन एयर प्रेजेंट वाटर वेपर, क्योंकि अगर में एसी लगा हुआ तो देखिएगा कि एसी जब चलता है तो पानी टपकने लगता है, तो कहां से पानी आ जाता है? बिकॉज क्योंकि उस हवा में एयर है, और वो एयर क्या होता है, जब ठंडा कूल करता है, हवा को ठंडा करता है, तो उसमें जो एयर है वो कंडेंस हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। उसी तरह से ऑक्सीजन जो हम लोग जीने के लिए कहा जाता है कि बहुत संजीवनी है, दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हवाओं में 21% है। नाइट्रोजन
78%, but we cannot be taken directly by the plant or the animal. They way are the converted by the microorganism rhizobacteria, converted the atmospheric nitrogen into nitrate. Then plant take this nitrate by the help of the roots, and after all they by the foods we get the nitrogen. वो हम लोग nitrogen ऐसे प्राप्त करते हैं. जितने protein diet सब खाते हैं उसमें nitrogen है. क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट जो 78% है, बट हम उसको डायरेक्ट हम लोग नहीं ले पाते हैं. ठीक है, दे हम लोग वो भी पौधे ना प्लांट ना एनिमल, दे आर द टेकन बाय द नाइट्रेट फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, वो 78% है. कार्बन डाइऑक्साइड वी नो द वेरी वेल, आफ्टर रिस्पिरेशन वी रिलीज द CO2 गैस, है ना, और बाय द टेकिंग द CO2 ऑफ द प्लांट मेकिंग द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल करके पौधे क्या करते हैं कि भोजन बनाते हैं. उसके बाद डस्ट एंड स्मोक, आज के डेट में क्या है कि ये कुछ ज्यादा मात्रा बढ़ गया है. दे आर द पोल्यूटेंट सब्सटेंस. डस्ट और स्मोक जो होता है ज्यादा मात्रा में अगर हवा में मिलना, समझिए कि हवा में जहर का मिलने के बराबर होता है. ठीक है, आज जो आपका सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर दिल्ली, उसमें क्या है हवा में सबसे ज्यादा डस्ट और एयर है. वहां के जो लोगों को लंग्स का रिलेटेड प्रॉब्लम इसी की वजह से है. यानी कैन वाला पहले बात करें कि इसमें जो होता है एयर अराउंड अस चारों तरफ है, और व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मॉग. ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. डस्ट एंड स्मॉग इज अ वेरी पैलेस टू पैलेस. वो वाटर पेपर और ये जो डस्ट है वो वेरी करता है जगह पर जगह पर. जैसे कि यहाँ के हवा में डस्ट और आपका स्मॉग कम है, दिल्ली में ज्यादा है. ठीक है, वाटर पेपर की बात करें तो जहां पर वाटर पेपर ज्यादा होता है वो भी क्या वहां बारिश होने लगती है. तो ये डिपेंड करता है स्थान और जगह के हिसाब से. यानी कहने मतलब they are the most important component of the air. तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग यही तक जाने, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.